जी, कौशिक जी, मोनिका जी, सुमित्रा जी, आप कृपया एक बार इधर पधारे रहे हैं, और जो भी आप अपने बात कहना चाहते हैं, आप में से कौन कहे? मनीषा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि मनीषा जी अपनी बात करें। युगधारा संस्था को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि सब आप पधारे और हम सबका जो संग दिया, साथ दिया उसके लिए। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहती हूँ अशोक अंकल को और ज्योति पुंजी अंकल को और कपिल भैया को, क्योंकि वो हम मतलब मैं वहाँ अहमदाबाद थी, उसके बाद भी यहाँ पे सब कुछ उन्होंने अच्छे से सब अरेंज कर दिया। इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, फैमिली मेम्बर्स को भी सबको थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत धन्यवाद मनीषा जी। और अब मैं ये इस बात से मैं निश्चिंत हूँ कि अब सदन में कोई भी रचनाकार अपनी बात कहने के लिए शेष नहीं है, अपनी रचना कहने के लिए शेष नहीं है। यदि है तो मुझे एक बार इंगित करा दे। आप बहुत देर से मुझे सुन ही रहे हैं, 3 घंटे हो गए हैं। मैं अब मंच की तरफ बढ़ती हूँ और बहुत मान सम्मान के साथ आज के हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महोदया डॉक्टर कृष्णा जाखड़ जी को मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए और बात कहने के लिए। सबसे पहले जिन महानुभाव के बारे में इतना सुन रहे हैं और जो बहुत सारी कलाओं से पूर्ण एक पूर्ण व्यक्तित्व के साथ व्यक्ति शरीर से जाता है लेकिन रहता हमारे बीच ही है, और उनको नमन करती हूँ। सम्मानित मंच, प्रभु श्रोतागण, और मेरे लिए सजा से कम नहीं है ज्योति पुंज सर नीचे बैठे हैं और मुझे यहाँ उन्होंने भेज दिया ये, लेकिन उनका आदेश। और अजन्य जी साहब के लिए जब उनका व्यक्तित्व है यहाँ जो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, वो उनके परिजन दिख रहे हैं, और जिनके बच्चे इतने संस्कारी हो, जिनका परिवार इतना संस्कारी हो, उस व्यक्ति की कला अपने आप में बोलती है। और वो भले ही शरीर से हमारे बीच है नहीं, परिजन उनके लिए थोड़ा होता है, स्वाभाविक है, लेकिन वो अमर है। जो कलाकार है वो कभी नहीं जाता है, कभी नहीं मरता है, वो हमेशा हमारे बीच रहता है, तो वो अमर है। और उनको फिर से नमन, आपने इस इतने बड़े मंच से मुझे मौका दिया, उसके लिए सबका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा जाखड़ जी का। और अब मैं बहुत बहुत मान सम्मान के साथ एकमात्र राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महोदय, आज के हमारे कार्यक्रम की शोभावृद्धि करने वाले मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर दुलाराम जी सानंद साहब से मैं आग्रह करती हूँ कि आप पधारें, अपनी बात करें और आपकी रचना भी हम सुनना चाहेंगे। लालदास जी रे बहुत बहुत निवन भे लालदास जी ने पढ़ता पढ़ता जवान भाया जागती जोत रहे लहले साला में खेल के दौरान रिसर्च कर दिया जब जागती जोतता तो बहुत ओजो नटोया। और ज्योतिपुंज जी जान है कि बांका में लालदास जी की था मौजूद है। मैं निजू को मेरी श्रद्धांजलि अर्पण और राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से ऐसे सयाने कवियों के सके और लालदास जी को नमन करता हूँ। पिंडवाला जी संचालन कर रहे थे और मैं देख रहा था कि सामने से कितने सहने सहने कवि आ रहे हैं। किसी कार्यक्रम का और खासकर कवि सम्मेलन में, कवि संगोष्ठी में अतिथि विलंब से आते हैं ना, तो कवियों का सौभाग्य होता है। और संचालक के
के लिए भी एक अवसर होता है कि लंबे समय से तो कवि नाराज थे ना संचालक, उन सबको मौका दे दें। मैं माफी चाहूंगा आपसे विलंब से आने के लिए। दरअसल एक राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त में व्यक्ति हूं और उसमें कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं भी आ जाती हैं। परसों बांसवाड़ा शाम को था और कल शाम को अजमेर में कार्यक्रम तय था पुस्तक विमोचन का। यकायक मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से संदेश आता है कि तमाम अकादमी अध्यक्षों की और आयोग अध्यक्ष उपाध्यक्षों की बैठक सीएम साहब कल शाम को लेंगे, आप आइए। हम बांसवाड़ा से 4 बजे चले और निर्धारित बैठक में शाम को सीएम पहुंचे। सोचा कि सुबह जल्दी चलेंगे। अजमेर का कार्यक्रम मिस किया लेकिन उदयपुर के कार्यक्रम में समय से पहले पहुंचेंगे हम। ज्योतिपन जी का आदेश था और लालदास जी के प्रति मन में श्रद्धा थी। संयोग ऐसा रहा कि मेरे ही जिले के हमारे वरिष्ठ विधायक पंडित मोहन शर्मा का सुबह ही निधन हो गया। दायित्व तो ये बन था कि आज अंतिम संस्कार में वहां शामिल होते, कुछ व्यवस्थाएं रही विलंब से यहाँ पहुंचा। और जैसा तरुण धादी जी कह रहे थे, गाय का हिसाब किताब ले रहे थे, भीलवाड़ा से पल्ले छोर से खूब किताब ली। हम गाड़ी दौड़े थे, अगर हिसाब किताब नहीं देती हमने जाहिर समय से कुछ जैसा बता रहे थे कि 8 बजे आपने आरंभ किया, उस वक्त हम पहुंच जाते। लेकिन ऐसे आयोजन में नहीं करना चाहिए, 6 बजे से कविता सुननी चाहिए और 2 घंटे कवियों को खूब मौका देना चाहिए। मैं शर्मिंदा मात्र कोठारी जी के पति था कि देव कोठारी जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और वो अकादमी अध्यक्ष रहते हुए भी कभी विलंब से नहीं, उन्होंने बसों से खूब यात्राएं की। मैं एक आयोजक हूँ और उनकी साधना को मैं जानता हूँ। जिस सभा में वो अध्यक्ष कहते हैं कि वो सभा गरिमा में हो जाती है, मैं उनकी अनुपस्थिति में उनको प्रणाम करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे विलंब हुआ। लेकिन आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे प्यारे शहर में भेजा है। कुछ समय के लिए भले ही किराएदार की हैसियत से भेजा हो लेकिन प्यारे शहर की समस्या लेके मैं लोग हूँ। प्यारी अकादमी है, अच्छा ढांचा है, काम करने का अच्छा मंच है और दूरदृष्टि वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। कल ही हम संवाद कर रहे थे, फिर हम संवाद करेंगे। कहते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी की जो चल रही कार्य योजनाएं हैं उससे आगे भी हम अकादमी को लेके जाएंगे और इस पहल का श्रेय पूरे भारत भर में उदयपुर को ही मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, फिर यह दोहराता हूँ कि मैं सामान्य गरीब घर से गरीब खेत की रेत से आया हुआ इंसान हूँ। ये मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि उम्र में उस वर्ग को प्रतिनिधित्व दे दिया है जहां साहित्य का कोई वास्ता नहीं है और उस हैसियत से मैं शहर से और हर मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको वहां पहुंचना है, उनकी ढाणियों में और वहां से सुन सुन के दुलाराम सहन लगा। मैं डूंगरपुर और भीलवाड़ा इसीलिए गया था, पहले डूंगरपुर था फिर बांसवाड़ा था फिर कि वहीं वहां से अगर मुझे कोई भील या गराशिया मिल जाए तो ये मेरी उपलब्धि है।
यह आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्षेत्र है। आप भी ढूंढिए, आप भी तलाश कीजिए कि जंगलों में ढाणियों में कोई वाल्मीकि बैठा हो। क्योंकि यह समय बदला है, आज से उपजे गान के हम उत्तराधिकारी लोग हैं। पता नहीं कितने आ आए हैं, जो अभी अंश हुई है। स्वानुभूति का अपना आनंद है, वो अपने लोग हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी आह्वान करती है कि उन लोगों को आप ढूंढ के लाइए और उस मुख्य धारा में लाइए, जिस मुख्य धारा के वो हकदार हैं। मैं सुन रहा था कि लालदास जी के साथ रुक्मिणी जी नारे लगा रहे थे। ये ऐसा मंच है जहां पति के साथ पत्नी भी बुलंदी के साथ नारे लगाते हैं। तो हम सबके साथ तमाम लोग वह शोर विकसित करें जिसमें राजस्थान साहित्य अकादमी का गौरव बढ़े और हमारे राजस्थान की साहित्य परंपरा को अभिमान हो कि हम सुदृढ़ साहित्य परंपरा वाले लोग हैं। तमाम वर्ग वंचित दलित शोषित दमित को भी उचित सम्मान और सरकार मिलता है। राजस्थान की साहित्य परंपरा बड़ी विशाल है। हम राजस्थानी मातृभाषा के लोग हैं और राजस्थानी ने हिंदी को खड़ा करने में अपने आदिकाल और मध्यकाल में खपा दिया है। हम हिंदी का सम्मान करने वाले सबसे भारत में सबसे बिरले लोग हैं। हम राजस्थान में हिंदी का डंका बजाएं, हम भारत में हिंदी का डंका बजाएं और हम विश्व में भी हिंदी का डंका बजाएं, लेकिन अपनी मौलिकता, अपनी मातृभाषा को भी हम न भूलें। मैं तो मुख्यमंत्री जी को कह रहा था नियुक्ति दी तब कि मैं माँ के लिए काम करने वाला हूँ और मौसी के लिए कहाँ भेज रहे हो आप मुझे। राजस्थान में भी कहा भी है कि वो मां जियो मौसी। हमने अपने को मारा है और मौसी को जिंदा किया है, तो हम उस मौसी के गीत भी उसी बुलंदी से गाएं। लेकिन लालदास जी की तरह है, दुखा जब मैं बसता है तो उसमें अपनी माँ को भी नहीं भूले। मैं वैष्णव परिवार को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो कवि भाग्यशाली होते हैं जिनके परिजन आयोजन करते हैं, वरना कवियों की बड़ी दुर्गति होती है। सबसे पहले अगर कवि नकारे जाते हैं तो अपने घरों से नकारे जाते हैं, क्योंकि साहित्य सबसे खोया तो आर्थिक में आपको खोया है। साहित्य कोई कमाने का जरिया होता तो घर वाले उसके पीछे आगे घूमते कि आप दो कविता बापू जी और लिखो, आप चार कविता और लिखो। लेकिन वो दौर पीछे छूट गए हैं, आज संकट का दौर है साहित्य पे। और इस तमाम संकटों के बीच से हम गुजरे हुए लोग हैं, गुजर रहे हैं। हमने रास्ता वह चुना है जहाँ आत्म संतुष्टि है, प्राप्ति कुछ नहीं है। ऐसी रुचि के लालदास जी का परिवार समर्पण भाव से बाहर से चलकर आया है, आयोजन कर रहा है, और युग धारा को तो कौन नहीं जानता। मैंने प्रयास संस्थान बनाया था तो मेरे सामने दो तीन संस्थाएं राजस्थान में मानक संस्थाएं थी, जिनमें एक ज्योतिपुंज जी थे, दूसरे हमारे श्याम महर्षि जी थे, विजदान देथा जी रूपायन थे, कमल कोठारी जी थे। मैं सोच रहा था कि संस्थाएं कैसे खून पसीने से सिंची जाती हैं और कैसे आगे बढ़ाई जाती हैं। मैंने प्रयास संस्थान के लिए जमीन खरीदी, एक जिनसे खरीदी थी उन्होंने दबाव बनाया कि पैसा दीजिए। मैंने और कृष्णा ने नमक मिर्च के पैसे बचा बचा के 3 रुपए सैकड़े के प्याज चुका के भी हमने जमीन। ऐसे युग धारा नहीं चलती है।
ज्योतिपुंज जी ने और लालदास जी ने इसके पीछे कितना कुछ खोया होगा हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे भव्य स्थल पे आयोजन ऐसे ही नहीं होते साहित्यिक आयोजन। खून पसीने से सींचा हुआ पैसा लगाना पड़ता है, उसके ऊर्जा लगानी पड़ती है। मैं तमाम आयोजकों को साधुवाद देता हूँ और उदयपुर से आह्वान करता हूँ कि एक दायित्व है मेरे पास, यह चले जाना है समय पाकर। लेकिन मैं पहले भी वही काम कर रहा था साहित्यिक क्षेत्र के लिए और आगे भी वही करता रहूंगा, अध्यक्ष आते जाते रहेंगे, कोई मायने नहीं है। इस दौर में आप एक इस रचनाकार के हस्ताक्षर से कोई अगर लाभ उदयपुर लेना चाहे तो 24 घंटे ये रचनाकार आपके लिए हाजिर है। राजस्थान साहित्य अकादमी के पास बजट का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते आए, आपने सुना होगा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। आगामी जो बजट आम बजट जो पास होगा उससे पहले हम तमाम अध्यक्ष मिलने वाले हैं और तमाम अध्यक्षों की ऊर्जा साथ रही, अगर नहीं भी रही तो मैं कहता हूं कि आज जो बजट है उससे दुगुना तिगुना तो मैं अकेला करवा के ला सकता। हम तो मांग करेंगे मिलके कि हमने 4 साल ऐसे ही कमाए तो क्यों ने एक दुगुना तिगुना नहीं साहब, आप तो अकादमियों का 10 गुना बजट कर दीजिए, फिर देखिए हमारे साहित्य का रंग और ढंग कि हम क्या देते हैं और क्या करते हैं। इस चुप्पी के दौर में अगर कोई बोल रहा है, इस भय के दौर में अगर कोई बोल रहा है तो आप सोशल मीडिया उठा के देखिए हमारे रचनाकार ही बोल रहे हैं। हम भुने जा रहे हैं गोलियों से, हमारे देश में नहीं दुनिया में ये हालात हैं। जो लोग सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, जो हक की बात कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं और मरने वालों में पहला रचनाकार है। लेकिन हम मरने से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम बोल रहे हैं, बोलेंगे और हक की बात कहेंगे। उस हक की बात कहने में सरकारें साथ देती हैं तो हम सरकारों के साथ हैं, और हक की बात कहने में सरकारें हमारे विरोध में खड़ी होती है तो हम सरकारों के विरोध में हैं। हम सरकारों के मोहताज लोग नहीं हैं, हम रचनाकार लोग हैं। हम जमीन को जिंदा रखने वाले कबीर हैं। आप तमाम जमीर वाले लोगों का स्वागत, सत्कार, आभार, अंजय परिवार का आभार, सम्मानित मंच की अनुमति इजाजत का आभार कि विलंब से आया फिर भी अच्छा आपने मान सम्मान किया और आप रोड मो श्रीमत है अगला आयोजन में आप और चोखो कर सा लालदास जी ने और ढंग आप याद कर सा। उदयपुर का तमाम रचनाकार है हमारी ओड़ियों आप ज्येष्ठानी राजस्थानी साहित्य अकादमी की सीमावा नहीं निवड़सी, अपनी बात नहीं निवड़सी। राजस्थान साहित्य अकादमी का साथी भी बैठे हैं बैठे, मैं बाने भी धन्यवाद दूँ और युग धारा ने ज्योति पुंजी ने धन्यवाद देता था का मेरी बात निवेड़ू लालदास जी गोड़ियों ने निवेड़ू।